एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं कैलेंडर के क्वेश्चन। इसमें हम शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्टली हम देख लेते हैं कि हम शॉर्ट ट्रिक कौन सी यूज कर रहे हैं। हमें क्या करना है, हमें डे जो होते हैं हमारे पास, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, हमें इनको कोड असाइन करना है। जैसे मंडे को 1 कर दिया, ट्यूजडे को 2, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5, सैटरडे को 6 और संडे को 7। फिर हमारे पास मंथ होते हैं। मंथ कोड हमें क्या असाइन करने हैं, जनवरी को 0, फरवरी को 3, मार्च को 3, अप्रैल को 6, मई को 1, जून को 4, जुलाई को 6, अगस्त को 2, सितंबर को 5, अक्टूबर को 0, नवंबर को 3 और दिसंबर को 5। सेंचुरी कोड क्या है हमारे पास, जैसे सेंचुरी हमारे पास 1600 और 2000, मतलब 4 का डिफरेंस लेना है हमें, उसको हमने 6 असाइन कर दिया। 1600 के बाद 1700 को हमें 4 और 2100 को भी 4, दो असाइन करना है हमें किसको, 1800 को और 2200 को, और 0 असाइन करना है हमें 1900 को और 2300 को। ठीक है, तो कैसे हमने कर दिया, 1600 को हमने क्या किया 6 और 1700 को 4, 1800 को 2 और 1900 को 0। ठीक है, 2000 को जैसे 6 कर दिया, 2100 को 4, 2200 को 2, 2300 को 0। ठीक है, इस तरह से हमें कोड असाइन करने हैं। फिर हमारे पास क्या है, अगर लीप ईयर हो, लीप ईयर कब होता है, जब जिसको हम 4 से डिवाइड करें और हमारे पास रिमाइंडर 0 आए, तो लीप ईयर हो गया। लीप ईयर हो और जनवरी फरवरी हो, तो हमें क्या करना है, जो आंसर आएगा, जैसे कि हमने, हमारे पास लीप ईयर था और जनवरी फरवरी का मंथ था, कोई भी जनवरी था क्वेश्चन में या फिर फरवरी था, और हमारे पास आंसर आ गया संडे, तो हमें क्या करना है, हमें उसको एक डिक्रीमेंट करना है। मतलब हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सैटरडे। माइनस वन का मतलब ये है कि मंडे आएगा तो हमें संडे लेना है, ट्यूसडे आएगा तो मंडे लेना है, वेडनेसडे आएगा तो ट्यूसडे लेना है, एक डिक्रीज करके लेना है आंसर में। फार्मूला क्या है, जो डेट है वो प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस ईयर और प्लस जो ईयर को हम 4 से डिवाइड करेंगे, जो उसका क्वेश्चन आएगा वो लिखना है, तो टोटल, फिर हमारा टोटल आ जाएगा। उस टोटल को जो हम 7 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है आपको, लेकिन जब आप इसको क्वेश्चन में इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली हम इस ट्रिक को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, 15 अगस्त 1947 जो है, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को क्या डे था। अब हमें ये फाइंड आउट करना है, तो क्या करना है हमारे पास, इसमें सीधा हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। डेट कितनी है 15, अगस्त का कोड कितना है 2, सेंचुरी का क्या कोड है, सेंचुरी हमारे पास 1900 होगी ना, सेंचुरी का कोड कितना है 0, 47 हमारा ईयर है, हमने ईयर लिख लिया। हमारे पास फार्मूला ये वाला यूज करना है। अब हमारे पास, हमें ईयर को 4 से डिवाइड कर, पहले तो एक बार ईयर लिख लो और फिर उस ईयर को 4 से डिवाइड करके देखो जो क्वेश्चन आएगा वो हमें लिखना है। तो क्वेश्चन कितना है 11, यहाँ 11 लिखना है। ठीक है, अब हमें इसका टोटल फाइंड आउट करना है, टोटल कितना है इसका, 75 यही आया ना। हाँ, अब हमें इसको डिवाइड करना है, टोटल को हमें किसे डिवाइड करना है, 7 से, 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 5। ठीक है, रिमाइंडर क्या आया, हमने जब 7 से डिवाइड किया 5, ये हमारे पास क्या है 5 है, तो हम यहाँ देखेंगे आंसर क्या है हमारा, फ्राइडे, फ्राइडे का कोड क्या है 5, आंसर क्या हो गया हमारा फ्राइडे। ठीक है, इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, हम लेते हैं ये ले लेते हैं, ठीक है, इसको क्या डे होगा। तो हमारे पास ये लीप ईयर नहीं है, तो हमें लीप ईयर का तो हमें सिंपल सॉल्व करना है। डे कितना है 20, जनवरी का कोड कितना है 0, और हमारे पास सेंचुरी क्या है 2000 प्लस 7, 2000 का कोड कितना है 6, 7 हमें एज इट इज लेना है एक बार ईयर। फिर हमें क्या करना है, 7 को 4 से डिवाइड करना है, उसका क्वेश्चन लेना है। 7 को 4 से डिवाइड किया, क्वेश्चन 1 आया, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। टोटल कितना आया हमारा 26, 27 और 34 को 7 से डिवाइड करना है। टोटल को 7 से डिवाइड करते हैं और हमारे पास जो ईयर होता है उसको 4 से डिवाइड करते हैं, 6 हमारा आंसर क्या आ गया, सैटरडे। ठीक है, तो क्या बार का क्या डे होगा इस दिन, सैटरडे, 20 जनवरी 2007 को क्या होगा, सैटरडे होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम शॉर्ट ट्रिक के हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम आगे एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
थैंक यू फ्रेंड्स।